तो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑटोमोबाइल रिलेटेड। अब इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ एवेंजर 180 का ओनरशिप रिव्यू। जी हाँ, मुझे कमेंट्स आते रहती है काफी ज्यादा, क्योंकि मैंने इससे पहले काफी ज्यादा वीडियो ऑटोमोबाइल्स पे डाले थे, तो लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उस फील्ड में ज्यादा है कि मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, कौन सी खरीदू, अगर एवेंजर में लेना चाहता हूँ एवेंजर रिलेटेड। तो काफी ज्यादा कमेंट्स आई, जैसे कि आपको पता है कि क्रूजर सेगमेंट्स में हमेशा से बादशाह ही राज करने वाली बजाज 180 जब उसने निकाली, 150 पहले आई थी, 150 जब उन्होंने बंद की 2018 में, तो वहां पे 180 उन्होंने निकाली। तो इसी 180 सीसी बाइक का 14,000 किलोमीटर के बाद का रिव्यू मैं देने वाला हूँ। जी हाँ, ये मैंने खुद यूज की है और मेरे पास ये एवेंजर 180 सीसी की बाइक है। अब आइए जानते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आपका टाइम नहीं गवाऊंगा, यहाँ पे सीधा आता हूँ पॉइंट पे कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, अब तक मुझे इसने कितना खर्चा कराया और कितना मैं इससे खुश हूँ, हैप्पी हूँ, क्या हूँ, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं चेतन पाटिल नॉलेज वर्ल्ड। मेरी जो बाइक 180 सीसी बाइक है, इसका अब तक मैंने 14,000 किलोमीटर चलाया, लगभग 9 महीने से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। इसे मैंने काफी लंबे लंबे ड्राइव किए हैं, जैसे कि यहाँ से मैं मुंबई, मुंबई से नासिक, नासिक से शाहदा, शाहदा से मुंबई, तो 400-400, 600-600 किलोमीटर तक की अहमदाबाद तक की मैंने राइड की है, लद्दाख तक की राइड की है, तो ऐसे कई सारे राइड्स मैंने इस बाइक पे किए हैं। इस बीच मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, कभी थकान महसूस नहीं हुई, कभी जो बॉडी पेन होता है वो नहीं हुआ, काफी कंफर्टेबल बाइक है, रिलायबिलिटी काफी अच्छी है इस बाइक की। इसकी सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में सबसे पहले बात आती है इसके हेडलाइट की। इसके हेडलाइट से मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगा के रोड पे विजिबिलिटी क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। डार्क नाइट में, डार्क रोड पे भी इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी है। हेडलाइट इसका काफी स्ट्रांग है, पास लाइट इसका काफी स्ट्रांग है, सामने वाले को तुरंत क्लिक कर देता है कि सामने से कोई बाइक आ रही है, तो ये सुपर बाइक की तरह इसका हेडलाइट है ये मैं कहूँ। इसका एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट पल्सर 180 की तरह है, बिकॉज ऑफ मैं बता दूं आपको, पहले भी बताया था कि पल्सर 180 का ही इंजन उठा के यहाँ पे कॉपी करा के पेस्ट किया हुआ है, तो यही जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत 19-20 चेंज करके इसमें डाल दिया है, तो यही जो पल्सर तो इंडिया में काफी ज्यादा पहले से चल रही है और काफी मशहूर बाइक है, तो इसमें होता यह है कि पल्सर का इंजन अगर एवेंजर में डाला हुआ है तो ये कहीं ना कहीं पल्सर का ही परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस बाइक का। पल्सर इंडिया में वेल नोन ब्रांड है, पल्सर वन नंबर वन लेवल पे है, तो वहीं आप यहाँ पे फील करा सकते हो। क्रूजर सेगमेंट्स में ये हमेशा से ही बादशाह रही है, आगे भी रहने वाली है, जब तक कि इसका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर ना आ जाए। इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे अच्छी लगी ये है इसके LED लाइट्स। जी हाँ, अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हो दिन में, आप RTO के रूल्स के हिसाब से अगर देखोगे तो हमेशा लाइट चालू रहता है, एक ऐसा रूल्स आया है AHO सिस्टम, ऑटो हेडलाइट ऑन, तो इसमें ये LED लाइट्स जो है वो आपकी काफी ज्यादा बैटरी सेव करते हो, प्लस जो विजुअलाइज होता है सामने वाले को क्लिक होना चाहिए कि कोई बाइक आ रही है। अगर आप फॉरेस्ट है जैसे हिमाचल या बद्दी, वैसे हिमाचल प्रदेश या फिर चंडीगढ़ जहाँ पे ज्यादा फॉग होता है, ऐसे एरियाज में राइड कर रहे हो तो वहां पे सामने वाले को भी क्लिक हो जाता है कि सामने से बाइक आ रही है ज्यादा फॉग वाले एरिया में भी, तो ये भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है। इस बाइक की अगर मैं और बेनिफिट बात करूं तो इसके साइड मिरर काफी अच्छे हैं, इंजन पावर काफी अच्छा है, पिकअप तो इसका बहुत ही अच्छा है, इंस्टेंट पिकअप आप इसे कह सकते हो। उसके बाद इसके LED लैंप में जैसे पहले भी कहा था मैंने, काफी अच्छे है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये काफी अच्छी है, बिकॉज ऑफ इसका जो रियर टायर है वो कुछ हद तक बहुत ज्यादा मोटा है और उसका जो फ्रंट टायर है वो भी काफी अच्छे सस्टेंस कर पाता है, बिकॉज ऑफ ये दोनों टायर्स का जो डिस्टेंस है वो दोनों बहुत लंबे है, तो इसमें होता यह है कि जो सेंट्रल ग्रेविटी है वो काफी अच्छी पकड़ बना के रखती है, और आप जब हाईवेज पे चलते हो या फिर इसे टर्न लेते हो तो ये गिरती नहीं है, फिसलती नहीं है, स्टेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है, पकड़ काफी अच्छी बना के रखती है ये। प्लस इसकी ब्रेकिंग सिस्टम, मैं कहूंगा ब्रेकिंग सिस्टम इतनी खास तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सीधा चल रहे हो और हाईवे पे चल रहे हो वहां पे ब्रेक अप्लाई करते हो
तो ये ब्रेक इंस्टेंट कवर करा देता है। इसका एक और मैं फायदा बताऊँ आपको, तो अगर आपकी हाइट 5.5 तक है या फिर 5.5 से नीचे है तो भी आपके लिए ये बाइक है, बिकॉज ऑफ ये शॉर्ट राइडर्स के लिए बनाई गई बाइक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टॉल राइडर लॉन्ग राइडर इसे चला नहीं सकते, चला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल है। बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स बाइक्स या फिर आप नॉर्मल बाइक देखोगे तो वहां पे शॉर्ट राइडर्स के लिए पैर जो है नीचे टिकाने के लिए बहुत दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे आप आराम से दोनों पैर जमीन पे टेका के आप आपकी बाइक खड़ी कर सकते हो। तो ये भी इसके लिए एक बेनिफिट है। जब आपका डिसबैलेंस होने लगता है तो सबसे पहले आपकी बाइक मैनेज करने के लिए, आपकी बाइक कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं आपके दो पैर। अब वही जमीन पे प्रॉपर नहीं आएंगे तो फिर बाइक गिरने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं, लेकिन एवेंजर में ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे आप दोनों पैर आराम से टेका सकते हो और आप बाइक कंट्रोल कर सकते हो। आगे मैं बात करूंगा इनके टायर्स की। जी हाँ, टायर्स इसके काफी हार्ड मटेरियल से बने हैं, पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था उसमें भी यही कहा था, क्योंकि है इसके टायर्स, मैं बताऊं तो जेन्युइनली इसके टायर्स बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बहुत ही अच्छे कंपोनेंट से बनाए। 3-3, 4-4 सालों से लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं लेकिन टायर अभी तक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं इसकी ग्रिप भी खराब नहीं हुई। तो मैं बताऊंगा ये टायर्स काफी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ बजाज एवेंजर में हर एक मटेरियल उस टाइप का डाला हुआ है जो कि आपको पूरी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बाइक का परफॉर्मेंस ओवरऑल बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। मैं जब जैसे बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग राइड पे गया हूँ, बहुत लंबे मैंने इस पे सफर किया है, मैं गोवा तक चला गया हूँ इसके साथ, तो ऐसा है कि जब भी मैंने एक बार बाइक स्टार्ट की तो ऑलमोस्ट 200 से 250 किलोमीटर तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई कहीं रुकना चाहिए, कहीं रेस्ट लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये बाइक चलाने की एक कला होती है, एक हैबिट भी होती है। हो सकता है नॉर्मल राइडर अगर बहुत लंबे ड्राइव पे जा रहा है तो उसे थकान जल्दी आए, मेरी हैबिट अलग है, मैं बाइक चलाने का बहुत क्रेजी राइडर हूँ, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि 200 से 250 किलोमीटर जाने के बाद भी मुझे रेस्ट करना चाहिए, ऐसा पर्सनली नहीं लगा। मैं बाकी लोगों का जो है थिंकिंग मैं नहीं जानता, वो शायद 50 किलोमीटर के बाद भी थक जाए, लेकिन बाइक की रिलायबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो इस बाइक पर बैठ के आपको थकान महसूस नहीं होती है, वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं है। 50-60 तक, ऑलमोस्ट 45-50 तक आपको नॉर्मल वाइब्रेशन जो है इसका महसूस होगा, लेकिन अब जब आप 60 से ऊपर इसे चलाते हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 60 के बाद ये बाइक स्टेबल चलती है, बिल्कुल एक स्मूथ राइड आप कर सकते हो इसके 60 या 70 के बाद। अब इसमें एक और चीज है कि इसके सस्पेंशन काफी अच्छे हैं, हालांकि पिछले सस्पेंशन मैंने एडजस्ट कराए हैं, लेकिन ये सस्पेंशन ना एडजस्ट करते हुए भी काफी अच्छे है, जो कि आपको स्पीड ब्रेकर्स या फिर कहीं गड्ढों वाले रास्तों में भी अच्छी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट भी काफी अच्छी इसकी कुशनिंग है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। पिलियन के लिए इतनी खास नहीं है, फिर भी आप अगर राइडर की बात करोगे तो राइडर आराम से बैठ के इसे 100-150 किलोमीटर तक इजीली चला सकता है वन डे में। ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो कि ये भी एक अच्छा बेनिफिट है बजाज ने आपको प्रोवाइड किया हुआ। अब बात करते हैं माइलेज पे, क्योंकि पेट्रोल के भाव जैसे आसमान छू रहे आप लोग जानते हो, तो 180 सीसी की बाइक होने के बावजूद आपको 35 से 40 के बीच में ये माइलेज प्रोवाइड करा देता है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है राइडर के चलाने के स्किल पे, तो ये किसी को 30 मिल सकता है, किसी को 35 मिल सकता है। मैं मेरा पर्सनल रिव्यू अगर बोलूं तो मुझे 35 से 40 के बीच में माइलेज मिल रहा है। सिटी में मुझे 35 मिलता है, हाईवे पे मुझे 40, कभी कभी 41 42 भी चला जाता है, तो भी मैं भी ये कहूंगा कि ये मेरे लिए या फिर एवेंजर यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये तो मैंने अब तक इसके एडवांटेज ही बताए, अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर। जी हाँ, इस बाइक के कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये ना के बराबर के हैं। आइए देखते हैं क्या डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूं तो ये ब्रेकिंग सिस्टम का है। जी हाँ, ब्रेकिंग सिस्टम इसकी काफी पुअर है, काफी पुअर तो नहीं बोल सकते लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी पुअर जरूर है। रॉयल इनफील्ड जो बाइक है उसकी जैसे ब्रेकिंग सिस्टम है, वैसे ही एवेंजर 180, 220 और स्ट्रीट क्रूज जो भी एवेंजर सीरीज की बाइक है उनकी है, जब तक कि इसमें डिस्क नहीं आ जाता। डिस्क ब्रेक आने के बाद शायद ये इम्प्रूव हो सकता है। बजाज ने अब 2019 में ब्रेकिंग सिस्टम कुछ अपडेट करा है और उसमें शायद हो सकता है आपको अच्छा खासा कंट्रोलिंग पावर मिल जाए, लेकिन मैंने 2018 में ये बाइक लिया था, तो 2018 की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम में मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप बाइक 80-90 या फिर 90 से ऊपर जाते हो तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में दिक्कतें आती है, बिकॉज ऑफ जो इसका रियर टायर है वो काफ़ी बड़ा है और इसमें वेट काफ़ी ज़्यादा है। 180 सीसी की बाइक है, आप 90-100 पे चल रहे हो तो यहाँ पे इंस्टेंट कवरिंग नहीं है, और
और जब आप फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक से इसे कंट्रोल करने का ट्राई करते हो तो अगर रास्ते में कहीं मिट्टी पड़ी है, कच्चा रास्ता है, तो ये स्किडिंग के चांसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसीलिए संभाल के बिल्कुल माइंड एकदम जगह पे रख के आपको दोनों ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं, तब जाके ये ब्रेक जो है कंट्रोल हो पाती है। मैं कहूँगा इसकी ब्रेकिंग सिस्टम इतनी खास नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। टायर्स की मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बात की थी कि काफी हार्ड कंपोनेंट से बने हैं, इसका बेनिफिट भी है लेकिन इसके जो कुछ डिसएडवांटेज हैं वो मैं बताता हूँ। जब आप बारिश के सीजन में कहीं पे फर्स्ट टाइम बारिश गिरा है, जो रास्ते पे कहीं थोड़ा ग्लॉसीनेस हुआ है, टायर्स घिस घिस के वहां पे जो है ग्लॉसीनेस जमा हो जाता है, ऐसे में अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ये टायर्स काफी हार्ड मटेरियल से बने हैं और ये यहाँ पे स्किड होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे आपकी बाइक स्लिप होने के चांसेस है, वहां पे आप सकते हो, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ये मैं कहूंगा। इस बाइक का एक और डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूंगा, वो है इसको किक नहीं है। हाँ, ये सेल्फ स्टार्ट इसे दिया गया है, किक बिल्कुल भी नहीं है। अगर विंटर के दिनों में आप 2 या 3 दिनों तक बाइक पड़ी रहने देते हो और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन अगर आप स्टार्ट करते हो तो वहां पे स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आता है, 3-4-5-6 बार आप जब सेल्फ मारते हो तब जाके आपको ये बाइक शुरू होती है, कभी कभी शुरू भी नहीं होती है, तो वहां पे फिर आपको एक डबल स्टैंड पे खड़ा करके फर्स्ट सेकंड गियर में डाल के जो रियर टायर है वो घुमा के फिर ये बाइक आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। ये काफी लेंदी और रिस्की प्रोसेस, मैं ये सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन बाइक चालू करने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है तो आप बाइक कैसे स्टार्ट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। ये किक का जो पॉइंट मैंने बताया था, ये किक इसमें नहीं है। आई थिंक ये किक होनी चाहिए इसमें, अगर ये होती है तो ये बाइक बहुत अच्छा आपको विंटर में भी, और या जैसे आप हिमाचल या फिर कश्मीर या फिर किसी ठंडी जगह के जगह पे रहते हो तो वहां पे आपको ये बेनिफिट है, लेकिन इसमें आज की तारीख में किक नहीं है और ना ही आप आउटर से इंस्टॉल कर सकते हो, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बाइक का डायमीटर काफी लंबा है, बाइक थोड़ी सी आप देखोगे जो फ्रंट व्हील है वो लंबा है, एक क्रूज सेगमेंट में बाइक आती है तो ऑलमोस्ट लंबी रहने ही वाली है। अब ये लंबा है तो आपको टर्न लेने में दिक्कतें आती है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है, जहां पे नॉर्मल बाइक जगह पे ही घूम जाती है, लेकिन ये क्रूजर बाइक है तो यहाँ पे आपको टर्न लेने के लिए ऑलमोस्ट दुगना डायमीटर आपको यहाँ पे गिनना पड़ता है, तब जाके ये पूरा टर्न लेती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ऐसा मैं बोलूंगा। सिटिंग पोजीशन की मैंने थोड़े टाइम पहले बात की थी, राइडर के लिए इसकी सिटिंग पोजीशन काफी अच्छी है, लेकिन पिलियन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक बार मैं सीन हुआ था, मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैं जलगांव से मुंबई तक लाया था, उसे बैठक है तो उसको मतलब वो बताने लायक नहीं है और ना ही वो बैठने लायक था। 400-600 किलोमीटर चलने के बाद उसकी तो हालत पतली हो गई थी। मोरल ऑफ द पॉइंट यही है कि वो पिलियन सीट काफी अच्छी नहीं है, एक 50-55 किलोमीटर तक की तो ठीक है, लेकिन उसके आगे अगर आप लेके जाते हो तो पिलियन राइडर जो है वो उसे कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाती है। काफी नैरो सीट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है बजाज द्वारा, तो ये मैं कहूंगा एक इसका डिसएडवांटेज है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अंडर पावर बाइक है। अंडर पावर का मतलब ये होता है कि जब आप 90-100 जो बाइक का मैक्सिमम स्पीड है, 100-110 वहां पे चले जाते हो, बाइक चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि इसमें एक और गियर होना चाहिए जो कि आपका स्पीड और बढ़ा सके। तो बाइक चलाते टाइम आपको महसूस होता है कि इसमें अंडर पावर है, एक गियर कम है, एक गियर हो जाता तो मजा आ जाता, इसका ये एक डिसएडवांटेज है, ऐसा मैं मानूंगा। कई लोगों ने कहा कि ये 110-112 तक चली जाती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 112-115 तक मेरी बाइक चलाई है और वहां पे मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ क्योंकि बाइक नहीं थी, उसके बाद मैं लेके नहीं गया। शायद आज की तारीख में अगर मैं 100+ लेके जाता हूँ तो वहां पे मुझे महसूस होगा कि एक गियर और होना चाहिए जो कि आपका स्पीड और बढ़ा सके, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है जो अंडर पावर जिसे कहते हैं। न्यूट्रल गियर में भी ये दिक्कतें देती है, जैसे कि अगर फर्स्ट गियर है उसके बाद फर्स्ट डाउन है, देन न्यूट्रल जो है वो अप है, देन बाकी जो है सेकंड थर्ड फोर्थ अप साइड में है, तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट गियर में गाड़ी रहती है तो उसे न्यूट्रल में लाने के लिए जब आप ट्राई करते हो गियर तो ये सीधा सेकंड पे चला आता है, वापस न्यूट्रल करने जाते हो तो फर्स्ट में चला जाता है, मतलब जो बीच में है न्यूट्रल में आने के लिए कहीं ना कहीं गियर दिक्कतें देता है। बट नो प्रॉब्लम, इसमें आप फर्स्ट गियर में भी क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मैं कहूंगा न्यूट्रल में लाने के लिए जो दिक्कतें आती है वो भी इसका एक डिसएडवांटेज है।
इस बाइक का मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ऐसा है कि इसमें रस्टिंग प्रॉब्लम है। जी हाँ, मैंने 4-5 बार ये बारिश में छोड़ दी थी ऐसे ही कैजुअली। तो उसमें जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद आपको जो नीचे स्टैंड है, साइड स्टैंड या फिर आप सिंगल स्टैंड बोलो, या फिर उस साइड का दूसरे साइड का जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है इंजन के आसपास का एरिया, वहाँ पे कहीं ना कहीं रस्टिंग जमा हो जाती है। अगर आप प्रॉपरली उसे साफ नहीं करोगे तो रस्टिंग प्रॉब्लम्स इसमें है। हैंडल बार पे भी मुझे कहीं ना कहीं रस्टिंग महसूस हुई है। तो ये मैं कहूँगा इस बाइक का जो मटेरियल है वो हार्ड लोहे से बना हुआ है, काफी स्ट्रांग यहाँ पे लोहा यूज किया हुआ है। तो इसमें होता यह है कि अगर लोहा है तो भाई जंग तो लगना ही लगना है। तो ये इसका मैं कहूंगा एक डिसएडवांटेज है। बाइक का बिल्ट मटेरियल काफी अच्छा है, बिल्डिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ लोहा यूज करने की वजह से यहाँ पे रस्टिंग प्रॉब्लम भी आता है। तो ये भी इसके लिए एक मैं कहूंगा रस्टिंग प्रॉब्लम जो कि डिसएडवांटेज है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम मुझे अब तक का इस बाइक में आया था ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले, जो स्टार्टर है वो काफी डाउन हो गया था, स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक, बीच बीच में स्टार्ट होती है बंद होती है, स्टार्ट होती है बंद होती है। तो बजाज ने, मैंने जब मेल डाला बजाज को तो बजाज ने सजेस्ट किया कि आप हमारे शोरूम में जाके नया स्टार्टर अवेलेबल हुआ है, स्टार्टर जो इंजन में होता है जब आप सेल्फ लगाते हो तो उसका करंट नीचे जाके आपका इंजन को बूस्ट करके स्टार्ट करता है, वही स्टार्टर। तो उस स्टार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत खराब हो चुका था और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। एक्चुअली मैं बोलूंगा ये मैन्युफैक्चरिंग ही फॉल्ट है। सब बाइक में ऑलमोस्ट 90% बाइक्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है एवेंजर की। मैंने उसे चेंज कराया, अब लगभग मुझे 2500 तक का खर्चा आया था इस बाइक में। उसके बाद नॉर्मल जो खर्चा है वही आया, ना मैंने टायर चेंज किए, ना मैंने कुछ इसके इंटरनल पार्ट चेंज किया, और ना ही कुछ इस पे कोई ज्यादा खर्चा किया और ना ही ज्यादा मॉडिफिकेशन किया। तो अब तक के खर्चे की लिस्ट अगर मैं बोलूं 9 महीने में 14,000 किलोमीटर के बाद, तो मुझे सिर्फ 2500 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लगा है। नॉर्मली जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है वही है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी काफी ज्यादा नहीं है जैसे कि आप लोग सोचते हो। कुछ लोग बोलते हो कि इतनी हेवी बाइक है, इतनी बड़ी बाइक है, इतनी मॉडर्न बाइक है, तो भाई इसमें खर्चा भी ज्यादा आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल 600 से 700 रुपए में आपको पूरा मेंटेनेंस बना के मिल जाता है, 350 से मेंटेनेंस की कॉस्ट शुरू होती है। अब अगर आप कुछ पार्ट्स डालते हो, कुछ उसमें खराबी है, कुछ चेंज करते हो, तो उसकी कॉस्ट अलग से है। 350 से 400 मैक्सिमम इसका मेंटेनेंस चार्जेस है, सर्विसिंग चार्जेस है, और इसके जो पार्ट्स है वो जगह जगह अवेलेबल हो जाते हैं। काफी वेल नोन बाइक है, काफी पुरानी बाइक है। तो इसमें है कि आप कहीं भी अगर गाड़ी बंद पड़ जाती है, कहीं भी आपको दिक्कतें आती है बीच हाईवे में, बीच रोड में, तो आप किसी को भी कॉल करके इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल करा सकते हो। ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है मैं कहूँगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का इस बाइक के ऊपर का रिव्यू। आपको ये बाइक के बारे में क्या थिंकिंग है, अगर आप खरीदना चाहते हो और आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। बीच में मैंने काफी दिन हो गए कोई वीडियोस नहीं डाले, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे व्यूअर्स मुझे मैसेज कॉल्स करते रहते हैं। अब एक सब्सक्राइबर मेरे काफी जिस दोस्त है जो उन्होंने कहा था कि भाई देखो ऐसा है कि आप कंटिन्यूसली वीडियो डालो, आपसे लोग नाराज होते जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं माफी मांगता हूँ। जब मुंबई से मैं पुणे शिफ्ट हुआ ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, 6 महीने से मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं डाले यहाँ पे। तो कैसा है कि मेरा वर्किंग शेड्यूल चेंज हो गया, मेरा जॉब चेंज हो गया, और जो मेरी डेली लाइफस्टाइल थी वो चेंज हो गई, डेली लाइफ मेरी चेंज हो गई, टाइमिंग चेंज हो गया, इसकी वजह से मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी डिमांड के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे टाइम काफी कम मिलता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट सर्विस दूँ, बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। इस चैनल पे मैंने पहले सिर्फ बाइक रिलेटेड चैनल ये मैंने शुरू किया था, सिर्फ बाइक की इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला था, लेकिन आज की तारीख में अगर लोगों की डिमांड देखूँ, हर चीज का नॉलेज मैं आज यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। आज से लेके आने वाले हर वीडियोस में आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड होती रहेगी। जैसे कि आपने मेरी इंट्रो देखी, इंट्रो में आपको सारी चीज़ों का जो है सब्जेक्ट्स मैंने दिए हुए हैं, इन सब्जेक्ट्स पे हर रोज हर डेली आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद बाइक रिलेटेड कुछ मटेरियल से कुछ एसेसरीज है जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है, जैसे हेलमेट है, जैकेट है, कोट है, और भी कई सारी चीजें हैं, सनग्लासेस है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे क्लिक करके खरीद सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन की कुछ लिस्ट वहां पे मैंने प्रोवाइड करके रखी है, तो ये भी एक चीप रेट में बेस्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन में और देखिए वहां पे मैंने क्या क्या डाल के रखा है, एक लिस्ट डाल के रखी है जहां पे लिंक के साथ है, वहां पे क्लिक करके आप कुछ खरीद सकते हो तो खरीद लो। दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।